संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के निलंबन के बाद आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए या लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टियों की बात की जाए, तमाम दलों के जो झंडे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे और अलग अलग अपने अपने कार्यालयों से निकल करके आज इन दलों के नेता जो है वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग दलों के कार्यकर अपने कार्यालयों से निकल करके ये जो नेता हैं वो निकले हुए हैं और साथ साथ इनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो भी देखिए। लोकतंत्र हमले का जवाब दो, जवाब नहीं तो कुर्सी छोड़ो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, देश चलेगा लोकतंत्र संविधान से, तो ये इस तरीके की तमाम ऐसी नारे के साथ जो तमाम विपक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं और एक बार अंदर की तरफ में भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे कि किस तरीके से लगातार नारेबाजी हो रही है। बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और हाथों में जिस तरीके से उनके हाथों में झंडे बैनर हैं, तख्तियां हैं, ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन एक बार फिर से कहीं ना कहीं सड़क पर आने के लिए और सड़क पर आता हुआ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में किस तरीके से सड़कों पर उतर करके जो अपना प्रदर्शन है वो करने जा रहा है। प्रदर्शन में आए हैं आप लोग, क्या क्या मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर के चीजें हो रही, क्या संसद का जो मुद्दा है सिर्फ वही है? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश करी है, लोकसभा से जो विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। हम सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस के लोग यहाँ पूरे इंडिया अलायंस नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी से है तो समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध। दलों के भी तो लोग हैं, बाकी दलों के लोग हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा की सरकार केंद्र में, और जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया है उसके खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के अन्य सहयोगी दल हैं वो सब लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे जाते हुए हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या बंद। कौन से बात करेंगे, आपके हाथ में भी तख्ती है, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, क्या कहना चाहेंगे? ये सब कुछ बहुत निंदनीय है, एक साथ इतने सारे सांसदों को आपने जो निलंबित किया है तो सोचिए आपने कितनी जनता की आवाज दबा दी है। तो ये सब तानाशाही है, वो चाहते हैं जो हम कहेंगे वो हुकूमत करे, तो ऐसा तानाशाह तो हिटलर भी नहीं हो सकता था जो तानाशाही आज मोदी दिखा रहे हैं। मोदी ने पूरे हिंदुस्तान को एकदम से संभाल लीजिए, अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में हम लोग और धरातल में चले जाएंगे, क्योंकि मोदी ने कहा हम 81 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। अरे 81 करोड़ में आप कहते हैं 13 करोड़ को हमने संपर्क करा, तो आप किसको भोजन दे रहे हैं भाई? आप जनता को एकदम निष्क्रिय करना चाह रहे हैं, ना व्यापार है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, सारे युवा कांग्रेस सब युवा जो है वो सड़क पर टहल रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये तानाशाही है ना, हिटलर से भी बढ़ के आप हो गए। आप युवा है, आपके हाथों में सपा का झंडा दिख रहा है, क्या बोलेंगे? राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 146 सांसदों को सस्पेंड किया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के एक तिहाई सांसदों को सस्पेंड करने के लिए उनके जोर उनको चुनने वाली जनता को भी सस्पेंड किया है, उस आवाज को भी दबाया है कि संसद में जो उनकी आवाज उठाई जा सके उसके लिए उन्होंने सस्पेंड किया है। बाहुबल के बस पर जो चाहे वो करना चाहते हैं, ऐसे जबंतरी सरकार का हम सब विरोध करते हैं। हम राहुल गांधी के भक्त, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो कि दौड़ने की क्रिया करते हैं, तोड़ने की क्रिया नहीं करते, देश में एकता बढ़ाते हैं राहुल गांधी का। बताइए, आज जिस तरीके से पूरा इंडिया अलायंस यहाँ सड़कों पर दिख रहा है, क्या ऐसे ही 2024 तक अलग अलग विषयों पर आप लोग मुखर दिखेंगे या जो संसद का विषय? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत होती है लोकसभा और राज्यसभा, उसके एक तिहाई सांसदों को संसद से बाहर निकाल कर फेंक देना ये हिंदुस्तान के एक चौथाई से ऊपर जनता की आवाज बंद करने के समान है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन समूचे हिंदुस्तान में आज हर जनपद में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से
सबको दे रही है। और 24 में आप देखिएगा लगातार इंडिया गठबंधन सड़कों पर आपको दिखाई पड़ेगा। अग्निवीर के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ, ये हिंदुस्तान के हर आवाम की आवाज को बंद करना चाहती है। आज ही आपने लखनऊ में देखा होगा कि 1400 घर मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं। अकबरपुर मोहल्ले में 1400 घर बहुत बड़ी तादाद होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसे कुचल देना चाहती है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ समूचे देश में सड़कों पर ऐसे ही उतरेगा, इसी प्रकार जैसे लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग विषयों को लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, चाहे लेफ्ट कम्युनिस्ट की बात की जाए, वो ऐसे ही अपने जो गठबंधन की नींव को मजबूत करते हुए और विपक्ष की आवाज को उठाते हुए ऐसे ही सड़कों पर अलग अलग विषयों के साथ उतरेगा। फिलहाल तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहा था। जुड़े रहिए एपी लाइव के साथ।